नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वाटिका निकालेंगे। बच्चों, इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आपको कविता और बुलाओ एक जना का कविता वादन करवाया था। यह कविता आपको समझाई थी और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इस कविता का बहुत आनंद लिया होगा। सभी को यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इस कविता को याद भी ज़रूर किया होगा। उसके बाद जो आपकी कक्षा हुई 24 आपकी जुलाई को जो कक्षा हुई थी, उसमें मैंने आपको इस कविता का पाठ परिचय, नए शब्द, शब्दार्थ और वाक्य जो हैं आपकी कॉपी में करने के लिए दिए थे, वह याद करने के लिए भी दिए थे। और 27 जुलाई की हमारी कक्षा में मैंने आपको इसका अभ्यास कार्य करवाया था, वह प्रश्न उत्तर पुस्तक में और आपकी कॉपी में मैंने पूरे करने के लिए दिए थे। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इतना काम अपना पूरा कर लिया है पेज नंबर 33 तक। अब हम इसका अगला अभ्यास कार्य पूर्ण करते हैं अपनी किताब में। सबसे पहले तो आप यहाँ आज की कक्षा की डेट डालेंगे जो है 31/7/20। देखिए आपका प्रश्न 4 क्या है, लिखो और सीखो। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो आपको लिखने हैं, यानी इन्हीं को देख के ऊपर जो लिखे हैं वही शब्द आपको बिल्कुल देख देख कर नीचे लिखने हैं बोल बोल कर। इससे क्या होगा, आप ये शब्द लिखना सीख जाएंगे। लिखने से हमारा अभ्यास बढ़ता है और हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये शब्द हैं दादी जी, दाना, पेड़, किल्ला, बूटा, खाद, हलवा, चोटी, हाँफ, चीखा चिल्ली। ये जो शब्द ऊपर लिखे हैं इन्हीं को देख के नीचे वाली रेखा में आपको लिखना है। उसके बाद में है भाषा बोध, चित्र देखिए और नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। देखिए किस चीज़ का चित्र है, पेड़। तो पेड़ किसे, देखिए पेड़ कैसे लिखते हैं इस प्रकार। ये क्या है, हलवा। ये लाल रंग का यानी गाजर का हलवा है और इसका इसे क्या कहते हैं, हलवा। ये किसी के नाम है, मतलब किसी भी चीज़ का नाम। देखो जैसे ये किताब है, मेरे हाथ में पेंसिल है, तो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है इन्हें नाम वाले शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम वाले शब्द, यानी जिसका भी कोई नाम हो उसे नाम वाले शब्द कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। इन चित्रों को देखकर इनके नाम लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं जो हमने पाठ में पढ़े थे इनके बारे में, और हम आपको इन देखकर इनके नाम लिखने हैं। देखिए किसका चित्र है, ये है कुत्ता। कुत्ता में क्या होता है, का आधा ऊ, कु आधा त, त और ता में आ की मात्रा, ता, कुत्ता, ठीक है। ये आधा वर्ण है, आधे वर्ण के बारे में हमने पिछले पाठ में भी, महात्मा और चुया वाले पाठ में भी पढ़ा था। आपका दूसरा चित्र है बिल्ली का, तो ब में छोटी की मात्रा, आधा ला, ला और बड़ी की मात्रा, बिल्ली। और बिल्ली के बाद जो आपका तीसरा शब्द है वो है गाजर, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे गाजर। तो चित्रों के नाम आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसे मैंने लिखे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, चित्र देखकर शब्द पहेली पूरी कीजिए। शब्द पहेली पूरी करना यानी आपको अंदाज़ा लगाना है। पहेली क्या होती है, हमें कुछ संकेत दिए जाते हैं और हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर संकेत के रूप में आपको चित्र बने हुए दिए हैं। किस चीज़ का चित्र है ये, आम। तो आप इसके आगे लिखेंगे आ, पहले लिखा है आप म लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, आम। आम के बाद में दूसरा चित्र देखिए, मटका। तो मटके की आप मटका जो शब्द है वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। माँ पहले ही लिखा हुआ है हमें, ट का, कामया की मात्रा, का, ठीक है, क का, ये का है मटका। मटका के बाद देखिए कौन सा चित्र है, कार। तो आप इसी के आगे लिख देंगे का, तो हमने पहले ही लिखा है, का के आगे रा लगा दो तो क्या बनेगा, कार। कार के बाद देखो ये क्या है, ये रस्सी है ना जो किसी चीज़ को बांधने के काम आती है, तो रा तो हमने पहले ही लिखा था कार के, जब शब्द लिखा था कार तो हमने उसी में रा लिखा था। आगे आप आधा सा और पूरा सा एक ही मात्रा रस्सी बनाएंगे। रस्सी के बाद अगले चित्र को देखिए, ये क्या है, सीप। सीप क्या होती है, जिसके अंदर मोती निकलता है, ये समुद्र में मिलती है बच्चों, और इन मोतियों से सुंदर सुंदर माला बनती है और भी कई गहने बनते हैं। तो ये जो है वो क्या है, सीप। तो सी पहले ही लिखा है, आपको पा लगाना है तो बन जाएगा सीप। सीप के बाद अगला चित्र देखिए क्या है, ये पतंग। तो पा हमने पहले ही लिखा है सीप लिखते हुए, आगे हम लिखेंगे ता, अंक की बिंदी, तंग और ग, तंग, प तंग, पतंग। पतंग के बाद आपका आखिरी चित्र क्या है, गमला है ना ये, तो ग हमने पहले ही लिखा है, आप लिखेंगे म ला, गमला। इस प्रकार से इस शब्द पहेली को जो शब्द दाई ओर से, सॉरी बाई ओर से दाई ओर की तरफ लिखे हैं आप उसे बाई से दाई ओर की तरफ लिखेंगे, जो शब्द ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हैं उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, सोचो और बताओ, यानी आपको सोचना है इस बारे में, मतलब थोड़ा सा अपना अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है और फिर बताना है।
यह किसकी चोटी है? मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का ऊपरी हिस्सा उसकी चोटी होती है। देखो जैसे ये पेंसिल है तो ये पेंसिल की चोटी हो गई, ये हमारी उंगली है तो ये हमारी उंगली की चोटी हो गई, ठीक है। तो ये किसकी चोटी है, देखो किसका चित्र है, गाजर। तो आप यहाँ लिखोगे गाजर की चोटी। ये देखो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपरी हिस्से को चोटी कहते हैं, तो ये क्या है, पहाड़ की चोटी। और हाँ, जो आपकी मम्मी या दीदी अपने बालों की बनाती हैं वो क्या होती है, बालों की चोटी, ठीक है। जो लड़कियां अपने बालों को बनाती हैं वो होती है बालों की चोटी। तो बच्चों आपको ये अभ्यास कार्य जिस प्रकार से मैंने अपनी पुस्तक में करा है, आपको भी साफ साफ पढ़ के बोल के करना है। और आज का आपका होमवर्क है पार्ट 3 व 4 याद करो, ठीक है बच्चों। पार्ट 3, 4 में हमने जो भी कार्य किया है वो सब आप याद करेंगे। आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। पार्ट 4 हमारा आज यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम अपना नया पार्ट शुरू करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सभी बच्चे घर में रहिए। धन्यवाद।